सबसे पहले अपना कैंप यहाँ लगा था, उस समय कुछ अपने कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे थे अपनी बात मनवाने के लिए, तो उस समय ये कैंप जिस काम के लिए लगाया गया था वो काम नहीं हो पाए थे, और आप लोगों के आग्रह पे सरकार से बात हुई तो उन्होंने फॉलो अप कैंप के तौर पर यहाँ पर आज चमकौर में ये कैंप लगाया है। और साथियों, समय समय पर आप अपनी समस्याओं से जो बताते आए हैं, और मेरा भी ये निवेदन है, मैंने भी जब विधानसभा चल रही थी तब ये मांग रखी थी कि हम लोग शहरों के अंदर आबादी बढ़ती है तो आबादी बढ़ने के हिसाब से जमीन का विस्तार कर देते हैं, आबादी का क्षेत्र बढ़ा देते हैं, लेकिन गांव के अंदर पंचायतों के अंदर आबादी बढ़ रही है और आबादी का क्षेत्र हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आप लोगों की जो मांग थी, मैं भी बैठी थी SDM साहब से, हम लोगों ने चर्चा करी, तहसीलदार जी बैठे थे, और मैंने एक इनसे निवेदन करा कि अपने जितने भी तमाम गांव हैं, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे लोग बस चुके हैं, बरसों से बसे हुए हैं, उनको हम लोग आबादी में ले लें और उनको पट्टा वितरण हो जाए, ताकि पट्टा जो है आगे उनके काम आएंगे। बहुत से हमारे मुश्किलों के अंदर ये पट्टा बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो मुझे आज खुशी है कि आपके बहुत सारा काम यहाँ पर आज हुआ है, और आगे भी इसी तरीके से आप लोग जो भी अपने काम बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, उनका निराकरण होगा। सरपंच महोदय यहाँ बैठे हैं, अभी बात आ रही थी ग्राम पंचायत कार्यालय की, आपने निवेदन आपसे किया था और आपने समस्या बताई कि इस वजह से शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो आप देख लें उसको जल्दी करवा दें, क्योंकि हम लोगों ने कार्यालय आपने आपके उपयोग के लिए बनाया है, तो उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका जल्दी समाधान हो जाए, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, लोगों को भी लगेगा। और इसके अलावा भी आप